वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. दिस इज अवर मैथमेटिक्स बुक ब्रिलियंस कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास थर्ड. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था. आज हम नया चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज चैप्टर 3 एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है ना, ऐड करना, जमा करना, ठीक है. लास्ट क्लास में यानी कि सेकेंड क्लास में हमने 3 डिजिट नंबर तक एडिशन करने सीखे थे. तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं करना, हमें उसी तरीके से ऐड करना है. बट अब जो सम्स होंगे वो थोड़े बड़े डिजिट के होंगे, यानी कि अब हम सीखेंगे 4 डिजिट के नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम विदाउट कैरिंग ओवर वाले सम को सॉल्व करेंगे और बाद में जब हम उन पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी स्किल परफेक्ट हो जाएंगी, फिर हम विदाउट कैरी के साथ साथ कैरी ओवर वाले सम्स भी करेंगे, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एडिशन के सम्स जिनमें हम कैरी नहीं लेंगे, ठीक है ना. एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, तो बिना कैरी ओवर लिए कुछ सम्स को हम सॉल्व करते हैं. तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, हमें ऐड करना है, ठीक है. ऐड 3564, इट मीन्स 3564 एंड 4123. तो ये हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है. अब हमें इनको आपस में क्या करना है? ऐड करना है. क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये छोटा नंबर है और ये नंबर बड़ा है तो हम बड़े को ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे. जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब हम बेशक ऐसे ही करते हैं क्योंकि छोटे में से बड़े को आप माइनस नहीं करते, ठीक है. बट जब हम बात कर रहे हैं ऐड की या प्लस करने की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम बड़े नंबर को लेंगे या छोटे नंबर को ऊपर लेंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखने के लिए मैं बोलती भी हूँ और आपको याद भी रखनी चाहिए, प्लेस मेंशन करनी है. सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है. क्लीन काम करेंगे ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और जो आपका देख रहा है उसको भी क्लियर रहे कि हाँ भाई, बच्चे को तो अच्छे से आता है, ठीक है ना. तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिखेंगे और उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे. एक लाइन का गैप देना ही देना है, क्लियर है ना. तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं एक लाइन छोड़ के 3564, क्लियर है. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 4123, क्लियर है. तो ये हुई हमारी स्टेटमेंट और हमें करना क्या है? हमें करना है ऐड. तो जो भी हमें करना होता है उसका साइन लगाएंगे, ठीक है. और ऐड करने के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. देखो अब हमें क्या करना है, 4 और 3 को ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए हम क्या लेंगे? फिंगर्स, ठीक है. पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अब हम और डीपली जब हम रिवाइज ही कर रहे हैं तो और अच्छे से कर लेते हैं एक बार. तो क्या करेंगे? फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो फिंगर्स पे काउंट करेंगे, ठीक है. तो 4 और 3 ऐड करना है. सबसे पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं 4, तो 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4. अब है इसके अंदर 3 ऐड करना है, तो इस पे हम फिंगर रख लेंगे, अपनी जो थंब है उसको रखेंगे और फिर नेक्स्ट नंबर को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे 1 2 3, अब इस फिंगर को हटा लेंगे और ये फिंगर यहाँ रख लेंगे, थंब को हमने रखा जहाँ 3 आया, ठीक है. तो इसमें अब 4 भी है और 3 भी है, तो अब इसे कैसे ऐड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आया? 7. इसका मतलब 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्लियर है. अब आगे देखते हैं, ऊपर वाले नंबर को लेंगे पहले, तो ऊपर क्या है? 6. तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हमें
थम रख लिया हमने अपना, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है टू, तो इसको छोड़ के आगे चलेंगे, वन टू। अब हम अपने इस फिंगर को हटा के, थम को हटा के, टू जहाँ आया, टू जहाँ ख़त्म होगा वहाँ रख लेंगे। अब हम इसे फिर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। यहाँ क्या आया, एट आया, यानी कि सिक्स प्लस टू कितना हो गया है, एट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जहाँ आया वहाँ पे हमने थंब फिंगर रखी, और आगे क्या है, वन, तो इसमें हमने रखा वन, ये वाली फिंगर हटाई और हमने कहाँ रखा, जहाँ वन आया, ठीक है। अब हम इसे ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक कितने आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फिर हमें थ्री प्लस फोर ऐड करना है, तो पहले लेंगे थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री पे हमने रखा थम, फिर ऐड करना है इसमें फोर, तो वन टू थ्री फोर। अब इसको हटाएंगे और यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब इसे फिर से ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो कितना आया, सेवन। यहाँ कितना लिख देंगे, सेवन। तो जब हमने 3564 में 4123 ऐड किए, तो कितना आया, 7687। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर वन था, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एडिशन कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो, जो इसमें याद रखने लायक बात है वो ये है कि सबसे पहले हम वंस प्लेस की साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। हम कहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से ऐड करते हुए और लेफ्ट की साइड चलेंगे। स्टार्टिंग से एंड में नहीं जाना, हमारा जो जाने का रास्ता होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर हम टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर हम हंड्रेड्स प्लेस को ऐड करेंगे, और फिर हम ऐड करेंगे थाउजेंड्स प्लेस को, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका रहेगा एडिशन करने का, इसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। अपनी मर्जी से हम थाउजेंड्स प्लेस से ऐड नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये हुआ एडिशन। सबसे पहले हम वंस प्लेस, वंस प्लेस के नीचे देखो, ये जो नंबर होता है इसे हमें किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो हमने इस वंस के नीचे, वंस प्लेस पे फोर था और थ्री था, उनको अरेंज करा और फिर उनको ऐड कर दिया, फिर टेंस प्लेस वालों को ऐड करा, फिर हंड्रेड्स प्लेस वालों को ऐड किया, फिर थाउजेंड्स प्लेस वालों को ऐड किया। अभी तो ये सिंपल है, जब हम एडिशन करेंगे कैरी ओवर वाले सम्स में, तब यूज समझ में आएगा कि इसको हम कॉलम वाइज क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम विदाउट कैरी वाले सम्स करेंगे, फिर हम कैरी वाले सम्स करेंगे, क्लियर है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया है, अब हम एक थ्री डिजिट का नंबर देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू, तो एग्जाम्पल टू क्या बोल रहा है, ऐड करना है, ठीक है, किसे, 3425 4341 and 123। तो देखो, अब यहाँ थ्री डिजिट हैं, तो तीन नंबर्स हैं, तो तीन नंबर्स को हमें एक साथ ऐड करना है। तो देखेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको नहीं भूलनी वो है प्लेस वैल्यू लिखनी, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, क्लियर है। सबसे पहले हमने प्लेस लिख दी इसकी, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लिखने स्टार्ट करेंगे, पर एक लाइन स्किप करके, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ते हुए फिर हम नंबर्स को लिखेंगे, क्लियर है। तो पहला नंबर था 3425, लिखेंगे 3425। नेक्स्ट था 4341,
वन, 4341. नेक्स्ट नंबर था 123, तो 123. तीन नंबर हो गए, हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में हमें बोला है ऐड करने के लिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन और इनको ऐड कर देंगे. क्लियर है? तो अब ऐड करने का तरीका जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वही तरीका रहेगा, उसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे. तो वंस प्लेस वाले नंबर लेंगे सबसे पहले, और वंस प्लेस पे सबसे पहले है 5, तो फिंगर्स पे 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5. जहाँ 5 आया वहाँ पे हमने थंब फिंगर रख ली. फिर है 1, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, वहाँ फिंगर रख ली. ठीक है? फिर 3, तो 1 2 3, तो हमने रखी फिंगर यहाँ पे. अब इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 + 1 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया. तो हम यहाँ लिखेंगे 9. क्लियर है? टेंस प्लेस पे आते हैं, सबसे पहले है 2, तो 1 और 1 2 1 2 2 पे रखी फिंगर. फिर है 4, 1 2 3 4, 4 पे फिंगर रखेंगे. फिर से है 2, तो 1 2 2 पे फिंगर रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट को ऐड करते हैं, 4 + 3 + 1 हमें ऐड करना है. तो सिमिलरली 1 2 3 4, 4 पे रखी फिंगर. फिर देखेंगे 3, 1 2 3 3 पे फिंगर रखेंगे. फिर है 1, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आया 4 + 3 + 1, अगेन 8. फिर 3 + 4 ऐड करना है, तो 1 2 3 3 पे रखी फिंगर, 1 2 3 4, तो यहाँ रखी फिंगर. अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है ना? तो ये आया 7889. क्लियर है? तो ये हुआ ऐड करने का तरीका. वंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर हंड्रेड्स प्लेस को ऐड करेंगे, और फिर थाउजेंड्स प्लेस को ऐड करेंगे. क्लियर है? अभी के लिए हम यहीं तक देखेंगे. अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक्सरसाइज 3A. तो एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं करनी है. जो स्टेटमेंट दी है हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है, और ऐसा नहीं करना कि 22 की हाफ स्टेटमेंट ले ली, 23 की स्टेटमेंट ले ली, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया. अगर आपने स्टेटमेंट ठीक लिखी है तो चेक किया जाएगा, और ठीक नहीं लिखी है तो क्रॉस कर दिया जाएगा, दोबारा करने पड़ेंगे, इसीलिए एक बार में ध्यान से करेंगे. क्लियर है? तो होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ क्या है. एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 24. क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक अपनी नोटबुक में आपको करनी है. ठीक है? किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद से करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ आपको और सिखाने की ज़रूरत है. ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखना नहीं भूलेंगे, और उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे. ठीक है? सफाई से काम करेंगे. तो होमवर्क क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं सुंदर हैंडराइटिंग में. कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3A, पेज नंबर 34 एंड 35. तो पेज भी लिख देती हूँ, पेज 34 एंड 35. क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.